श्री श्याम, जय श्री श्याम। सत्ता चला रहे कोई पार्टी के लोग छोड़ कर आए तो इनेलो के लिए ब्रेक थ्रू माने आप ये? आज भाजपा से जजपा से और कांग्रेस तीनों पार्टियों से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। इलाहाबाद का जो चुनाव था उसने ये साबित कर दिया था कि सत्ता पक्ष के लोग और कांग्रेस के लोग आज इस प्रदेश को कैसे कमजोर किया जाए इसके लिए आपस में मिले हुए हैं। उस चुनाव में जिस ढंग से सत्ता पक्ष के लोगों ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगा और 15,000 रुपए का लालच देकर के कहीं लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करी। ये बात मैंने कल विधानसभा में कही थी। आपने अगर सत्र देखा होगा तो स्पीकर मेरे से कह रहा था कि आप गलत आरोप लगा रहे हो और मैंने स्पीकर से कहा था कि मैं आपको तथ्य दूंगा, क्या आप कार्रवाई करोगे? स्पीकर ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं कार्रवाई करूंगा। मैंने अपने हलके में अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगा दी है, वहाँ एफिडेविट बन रहे हैं। सैटरडे और संडे का दिन था इसलिए एफिडेविट मिलने में असुविधा थी। कल एफिडेविट मिलेंगे। मैं सैकड़ों एफिडेविट हर गांव से 5-5, 7-7 एफिडेविट जो है बनवाऊंगा और जिसमें बकायदा तौर पे ये लिखा होगा कि कौन व्यक्ति था जो पैसे बांट रहा था, कितने पैसे यहाँ मतदाता को प्रभावित करने के लिए दे रहे थे, किन किन लोगों में पैसे बांटने की कोशिश पुलिस के माध्यम से की गई, सरकारी मुलाजिमों के माध्यम से की गई, कौन मुलाजिम थे, उनके नाम भी उन एफिडेविट में डलवाऊंगा और फिर स्पीकर के सामने उसके सदन में उसको सारे दूंगा और उससे कहूंगा कि अब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो जिन लोगों ने पैसा बांटा है। मुझे नहीं लगता कि स्पीकर कोई कार्रवाई करेगा। स्पीकर तो केवल सरकार को बचाने के लिए इस किस्म की बात सेशन में कह रहे थे, पर मैं उम्मीद करूंगा कि विधानसभा में कोई भी मेंबर जो भी कोई बात कहता है अगर वो उस बात पे अपनी बात पे कहीं साबित नहीं कर सकता तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आता है। वहाँ लिखा हुआ है बाकायदा तौर पे कि सदन में अगर कोई झूठ बोलता है तो सदन की बहुत बड़ी अवमानना है और कोई अवमानना करता है तो उसके खिलाफ प्रिविलेज आए और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। या तो स्पीकर जो है मेरे दिए हुए एफिडेविट पे कार्रवाई करेगा, अदरवाइज स्पीकर को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि स्पीकर ने विधानसभा में ये बात कही है कि मैं जो है कार्रवाई कराऊंगा। कार्रवाई मुझे नहीं लगता स्पीकर करेगा, सरकार उसको कार्रवाई करने नहीं देगी। कुछ और हलकों के लोग भी आपके संपर्क में हैं, बहुत समस्या है जी। कुछ और हलकों के लोग जैसे इस मालका से शुरुआत हुई है जी, बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में शामिल होंगे क्योंकि इन दोनों तीनों पार्टियों से लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। लोगों का विश्वास इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में था, आज भी है, आगे भी रहेगा। बीच में एक दफा लोगों को गुमराह कर लिया गया था, अब लोगों को सारी बात समझ में आ गई। अब तो चाहे भाजपा का कार्यकर्ता है, चाहे भाजपा का पदाधिकारी है, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, वो भी बड़ी संख्या में पार्टी में आएंगे। उस बिल की जरूरत नहीं थी और ना किसी ने डिमांड करी, ना किसी की सरकार के सामने कंप्लेंट थी। ये बात विधानसभा में चीफ मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, दोनों से पूछी गई थी कि क्या किसी ने आपको ये कंप्लेंट दी है कि हमारा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस बात का कोई जवाब नहीं था उनके पास। वो तो केवल लोगों का ध्यान बांटने के लिए कैसे मतलब लड़ाया जाए लोगों का आपस में। आप देखो हरियाणा प्रदेश के अंदर जाट और नॉन जाट के नाम के ऊपर इस भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी आग लगाई थी। जब जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था 32 बेकसूर लोगों को मौत के घाट इन्होंने उतारा था। अब फिर कहीं ये जो आंदोलन चल रहा था किसानों वाला, इसमें भी भाजपा ने फिर जाट को टारगेट किया था। और उसके बाद तीसरा और उदाहरण आपको बताता हूँ, मैं पूछूंगा मुख्यमंत्री से विधानसभा में कि अब जो हमारे किसान नेता थे जिनके नाम से यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई है, जिनके नाम से कोई मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं,
आपने उनके कैलेंडर से फोटो क्यों हटाई? क्योंकि वो भी एक विशेष जाति विशेष के लोग थे, चौधरी चरण सिंह जाट थे, चौधरी बंसीलाल जाट थे, चौधरी छोटू राम जाट थे, चौधरी देवीलाल जाट थे, लेकिन जाट होने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके टारगेट करके पूरे समाज को कहीं बांटना चाहो। उन लोगों ने 36 जात के लोगों को साथ लेकर के हरियाणा प्रदेश बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी व्यक्ति का है तो शख्स का नाम चौधरी देवीलाल है, उन्होंने बनाया था। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने चौधरी देवीलाल के नाम से जो थर्मल पावर प्लांट पानीपत की जो छठी यूनिट थी उसका नाम बदलना कोशिश करी। उसके बाद इस बीजेपी ने चौधरी देवीलाल के नाम से जो केएमपी बना हुआ था उसका नाम बदला। उसके बाद चौधरी चरण सिंह के नाम से जो हिसार की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें उनका कैलेंडर से फोटो हटाया, चौधरी बंसीलाल का फोटो हटाया। मतलब किस तरह से एक दूसरे को एक दूसरे से दूर किया जाए, हमारे भाईचारे को तोड़ने का एक षड्यंत्र है ये, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये यूपी में जाते हैं वहाँ हिंदू और मुसलमान का नारा देते हैं, ये गुजरात में जाते हैं पटेल और हिंदू की बात करते हैं, ये महाराष्ट्र में जाते हैं वहाँ जाकर के मराठा और हिंदू की बात करते हैं। ये तो स्वयं जहर फैलाने के, इनका कोई काम नहीं। राजेश जी ने बताया नहीं, इन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया, इन्होंने अपने नेताओं से पूछा था कि ये सब क्यों करते हो, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की पॉलिसी। ये चौधरी देवीलाल द्वारा सम्मान पेंशन योजना शुरू की गई थी, अब आय को आधार मान लिया गया, अब काफी बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई। मैंने ये इशू रेज किया है विधानसभा में, मुख्यमंत्री जब इस पे जवाब देंगे कल, अगर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब संतुष्टजनक नहीं आया तो हम आंदोलन खड़ा करेंगे और इस सरकार को मजबूर कर देंगे। जैसे किसान आंदोलन के दौरान इनको सड़कें पे नहीं चलने दिया जाता था, इसी तरह हर बुजुर्ग को लाके इन टोलों पे बैठा देंगे, सारे टोल बंद कर देंगे और इनका भी सड़कों के रास्ते से गुजरना बंद करने का। निकाय चुनाव है, उसमें इनेलो पार्टी उतरने वाली है अपने सिंबल पे, किस तरह से? हम सिंबल पे हमारा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, आपके संभाल का भी चुनाव है, यहाँ भी सिंबल पे लड़ाएंगे और आपसे उम्मीद करेंगे।